हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। मैं महक आप सभी का महक एंडी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारी क्वायरीज थी, कुछ चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते थे। मैंने पिछले ब्लॉग में एक जूस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो आप लोगों के उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। और उसकी हम सब्ज़ी खाएँ तो क्या फ़ायदा होगा, या उसको अपनी डाइट में शामिल करें तो और क्या क्या बेनिफिट हैं, तो उनके बारे में आप सभी ने क्वेश्चन किया है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, तो मेरा फ़र्ज बनता है आपको उन सारी चीज़ों से अवगत कराना कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहो। सो गाइस, यूट्यूब फैमिली से याद आया कि अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस, चलिए मैं आपसे आज जिसके बारे में बताना चाहती हूँ उसके बारे में तो बता दूँ पहले। सो ये है लौकी। ये लौकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिक अगर आप लौकी को अपने डाइट में शामिल करेंगे तो। गाइस, लौकी जो होती है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि लौकी खाने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लौकी के की जो सब्ज़ी बनती है वो कैसी फ़ायदेमंद होती है, लौकी के जो कोफ्ते की सब्ज़ी बनती है वो, और जो लौकी का हलवा बनता है, लौकी के तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, बट लौकी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो चीज़ होता है वो है जूस और लौकी की सब्ज़ी। बट लौकी की सब्ज़ी जो नॉर्मल बनती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जिसमें थोड़ा कम ऑयल ऐड करके बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत सारा ऑयल खाते हैं और हरी सब्जियों में भी इतना ऑयल डाल देते हैं कि वो सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। तो हरी सब्जी में आप जितना कम से कम ऑयल ऐड करेंगे तो उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो बहुत ही कम ऑयल खाती हूँ, ना के बराबर, मतलब जिसमें बिना, कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना कि जो बिना ऑयल के बनती नहीं है, उसमें ऑयल ज़्यादा ऐड करना ही पड़ता है, बट मैं उसको भी बिना ऑयल का बना लेती हूँ। जब आप कोई चीज़ करने लगो ना तो फिर आपका माइंड भी वैसे ही चलता है और आप वो चीज़ें कर लेते हो हेल्दी रहने के लिए। सो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हेल्दी रहो ऑलवेज। सो मैं आपको बता दूँ कि इसमें होती है फाइबर की मात्रा ज़्यादा लौकी में। सो ये वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक मैम ने मेरे से पूछा, क्वेश्चन किया उन्होंने कि लौकी की सब्ज़ी में ऐसा क्या है लौकी में कि हम खाएंगे और हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, या ऑफ कोर्स मैम आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा, वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा फाइबर, और जब फाइबर युक्त चीज़ें हम खाते हैं तो भूख थोड़ा कम लगती है, राइट? सो आपकी भूख मर जाएगी। और लौकी में जो है प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आयरन भी होता है, विटामिन सी भी होता है ना। विटामिन सी जो होता है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन सी से स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो करती है और हेल्दी स्किन रहती है, तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है लौकी। बट अभी मैं बात कर रही थी ये फाइबर के बारे में, वेट लूज़ के बारे में। अगर आप लौकी का जूस पीते हैं इससे भी आपका वेट लूज़ होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे और तेज़ी से आपका वेट लूज़ होगा, राइट? अगर आप इसकी सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कम ऑयल वाली, लेकिन अगर आप कोफ्ते की सब्ज़ी खाएंगे, लौकी के कोफ्ते बना के, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगी क्योंकि उसकी जो ग्रेवी बनती है बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा मसाले उसमें ऐड करने पड़ते हैं। वो खाने में तो टेस्टी लगता है, नो डाउट, बट फ़ायदा उतना नहीं करेगा। और रही गाजर के सॉरी लौकी के हलवे की बात अगर हम करें, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है। सो अगर आप आलमंड मिल्क से बनाते हैं, बादाम के दूध से बनाते हैं लौकी का हलवा, और उसमें शुगर बहुत अच्छी ब्राउन शुगर यूज करते हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, तो वो नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फ़ायदा करेगा, बट वेट लूज़ में वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आपका वेट गेन करवाते हैं, जैसे काजू हो गया, उसे भी आपका वेट गेन ही होता है, वेट लूज़ नहीं होता है। सो गाइस, और मिल्क जो होता है उससे भी आपका वेट बढ़ता ही है। सो मावा बहुत सारे लोग खोवा भी डाल देते हैं उसमें, राइट? सो ये सब चीज़ें जो है ना उससे वेट बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वेट कम करने के लिए वो है लौकी की सब्ज़ी, कम ऑयल वाली,
और लौकी का जूस, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी तो बहुत सारे आइटम बनते हैं यार लौकी के, सो आप लोग बना के खा सकते हैं टेस्ट के लिए, बट हेल्दी रहने के लिए दो चीज़ें ही अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ के लोग भी लौकी का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनती है, पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो आप लौकी को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए, क्योंकि ये लौकी जो है ना, ये शरीर को ठंडक पहुंचाती है। और अभी तो वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वॉमिटिंग होना, जी मचलाना, अच्छा ना लगना, है ना, गर्मी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सो ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करता है लौकी। सो अगर आप लौकी खाते हैं तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम तो भूल ही जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अगर आप लौकी को अपने डाइट में शामिल करेंगे। तो इसे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं गाइस, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B9 होता है, इतनी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, और कहना चाहिए कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सो आप ऐसी चीज़ को अपने डाइट में शामिल बिल्कुल कीजिए। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हरी सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, वो हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गाइस लौकी का टेस्ट भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, अमेजिंग फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लौकी को ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए और ऑलवेज़ हेल्दी रहिए। आप मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें डेली खाते हैं लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते हैं, राइट? और इसमें क्या क्या होता है लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है, राइट? सो गाइज, ये जो लौकी की सब्ज़ी होती है और करेला होता है, इन दोनों चीज़ों को साथ में नहीं खाना चाहिए। इससे आप के पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अच्छा ना लगना, जी मचलाना या अजीब टाइप का फील होना, राइट? सो आपको लौकी की सब्ज़ी और करेला दोनों एक साथ नहीं खाना है। तो लौकी तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें 96% पानी होता है, राइट? सो बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। हमारा शरीर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पानी से ही बना हुआ है, तो आप हमेशा हेल्दी रहने के लिए पानी का सेवन भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये गर्मी का टाइम चल रहा है तो जितना ज़्यादा पानी पियेंगे तो सेहत के लिए उतना अच्छा है, और इससे स्किन भी अच्छी रहती है, आपके शरीर को ठंडक भी अच्छी मिलती है, और हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जो लौकी होती है ना, वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है सो आप लोग लौकी का सेवन कर सकते हैं और ऑलवेज़ अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो गाइस, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इसमें कैलोरी लौकी में थोड़ा कम होती है, थोड़ा कम क्या होती है, होती ही नहीं है, मतलब लौकी में कैलोरी नहीं होती है। सो मोटा होने की तो बात ही नहीं है, आप भूल जाओ कि लौकी खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। सो वेट लूज में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस। अब ये थी आज की मेरी नॉलेज वाली बात जो आपसे मैं शेयर करने वाली थी। बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको भी मेरे को उनके आंसर देना था आप सभी को। अब आगे भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से पूछिएगा, तो मैं आपको उसके आंसर ज़रूर दूंगी गाइस। तो आज के लिए तो बस इतना ही है, और हाँ, लौकी के जूस के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही है, कल मैं फिर मिलती हूँ एक नए नॉलेज के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।